आज जो हमारा फैमिली लाइफ सेशन है वो काफी स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इस बार आज नया नहीं जानेंगे। मतलब पहले हम लोग बहुत ही एक तरह के पैटर्न को फॉलो करते रहे हैं और हमारे पास बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स आए हैं जो ज्यादातर उनको मोस्टली जगहों पर देखा या उनको अप्रोच किया जा चुका है। बट अभी हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंजलि हुडा सांगवान से। और क्योंकि कल जैसे हमारे टेलीविजन चैनल पे हम लोगों ने एक शो किया था डाइट की बात अंजलि हुडा के साथ, तो उसके बाद हमने सोचा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमें आ रहे थे जो हमें लगा कि भाई हमें एंटरटेन करने चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों ने टेलीविजन नहीं देखा। तो अब हम उनके लिए फैमिली लाइव सेशन एक लेके आए हैं मैम के साथ। और आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू दैट आपने वक्त निकाला, मैम आप यहाँ पे आए। और मैम की क्रेडेंशियल्स, इससे पहले हम मैम को परेशान करें, उनकी क्रेडेंशियल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं हमेशा की तरह क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। और मैम के बारे में बता दूँ, मैम है MD इन इंटरनल मेडिसिन और शी इज डन फेलोशिप इन ओबीसीटी एंड मेडिसिन। ओबीसीटी यानी मोटापा एंड मेडिसिन, और द ओनली डॉक्टर इन इंडिया टू कंप्लीट, मैं फिर से बता दूँ, द ओनली डॉक्टर इन इंडिया टू कंप्लीट द सर्टिफिकेशन इन फंक्शनल मेडिसिन। सर्टिफिकेशन इज स्टिल पेंडिंग जैसा मैम बताती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैम का स्पेशलाइजेशन है इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मैम मैं बहुत देर से काफ़ी कुछ बकवास कर चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई हैं उसमें से कुछ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ आप एक बार बता दीजिए। नहीं कोई नहीं। सो आई एम इन मैं MD इन इंटरनल मेडिसिन। आई हैव डन फेलोशिप इन ओबेसिटी मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन एंड आई हैव कंप्लीटेड माय फंक्शनल मेडिसिन। आई एम जस्ट अवेटिंग माय सर्टिफिकेशन एंड आई थिंक आई एम द ओनली वन फ्रॉम क्लीवलैंड क्लिनिक IFM.org हु हैज कंप्लीटेड दिस इन इंडिया। एंड बाकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डायबिटीज पे तो हमारी स्पेशलाइजेशन है ही, और आप मेरे से वही सवाल पूछ रहे हो। जी हाँ, मोस्टली नॉट एग्जैक्टली वही सवाल पूछने वाले हैं बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट कुछ हमारे क्वेश्चंस कम्युनिटीज़ पे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लोगों ने हमें भेजे हैं तो हम वो मैम के सामने रखेंगे। इससे पहले कि मैं ये सेशन और फर्दर आगे बढ़ाऊँ, मैं आप सबसे जो हमें देख रहे हैं इस वक्त कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस या अपने हेल्थ क्वेरीज या डाउट्स हम तक पहुँचाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं, विच इज़ 8527940940। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं विच इज़ famhealth.in, और वहाँ हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करके हमें अपने क्वेश्चंस पहले ही भेज सकते हैं। फिलहाल आप हमें देख रहे हैं और इस वक्त मैं नाम से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक टर्म देखा है यहाँ पे विच इज मेटाबॉलिक डॉक्टर। तो ये मेटाबॉलिक डॉक्टर जो है, मेटाबॉलिक वर्ड से काफ़ी सारे वर्ड्स ड्राइव होने वाले हैं अभी क्योंकि मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन है। प्लीज़ मैम थ्रो सम लाइट ऑन दिस। सो मेटाबॉलिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो दे आर नॉट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, बट वो जो ओबेसिटी के हॉर्मोन्स हैं जी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है विच इज़ अ पार्ट विच इज़ एक्चुअली योर मिक्स ऑफ मैनी थिंग्स, मतलब हाइपर टेंशन, डायबिटीज, जी ओबिसिटी, तो इसको एक सबसेट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। जी तो जो हम जैसे डॉक्टर हैं वो इसको जो है हम उसको ट्रीट करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम को। तो वो मेटाबॉलिक डॉक्टर मतलब वी विल यूज न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन बोथ, ओके नॉट ओके जस्ट वन ऑफ देम। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज मी विद बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन। सो better to clear that it's not like that. Food is a very very big part of treating metabolic syndrome. okay okay yeah since आपने अभी यहाँ पे एक छोटा सा differentiation किया, exactly nutritionist और आप में लोग कैसे confuse करते हैं because क्योंकि हमें जहाँ तक लग रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो which must be like drawing a very thin line between a nutritionist and a dietitian and a metabolic doctor. So how does that differentiate if you can? So see, between a nutritionist and a doctor there's a huge difference. One, that doctors are able to give medications and nutritionists can't. We can हम labs को जो है interpret कर सकते हैं कि भी किसी का blood work आया है, tests आए हैं, तो as a doctor I can interpret, लेकिन जो dietitian और nutritionist है वो नहीं कर पाएंगे इसको interpret. अच्छा, तो ये एक तो सबसे बड़ा फर्क ये है। बाकी जो dietitian और nutritionist में फर्क है वो है पढ़ाई का। अच्छा, थोड़ा सा जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, बेसिक दे स्टार्ट विद अ डाइट डाइट डिग्री होती है। अच्छा, एंड देन दे स्टडी फर्दर टू, इट्स लाइक सुपर स्पेशलाइजेशन यू कैन कॉल इट। अच्छा, हाँ, तो
लेकिन जो डॉक्टर है वो अलग है, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, सी डॉक्टर डाइट भी दे सकता है और मेडिकेशन भी दे सकता है, पर उल्टा ट्रू नहीं है. न्यूट्रिशनिस्ट डाइट प्लस मेडिकेशन नहीं दे सकती. न्यूट्रिशनिस्ट कैन रेफर द पेशेंट कि आप इस डॉक्टर को दिखा लो क्योंकि आपके ब्लड शुगर हाई है या आपकी यूरिन में ये आया है, तो वो उनको आगे रेफर कर लेते हैं. तो हम लोग ये चीजें अपने एक ही अम्ब्रेला के नीचे सॉल्व कर लेते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि मेटाबॉलिक एक वर्ड ऐसा है जिसके लेके इट्स अ फेयरली न्यू टर्म इन लाइक इवन इन अमेरिका. सो पिछले 5-6 साल में ही ये टर्म आई है. अच्छा अच्छा अच्छा, इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड टर्म. तो मोस्टली रिफाइनमेंट करने के बाद आया इन द फील्ड्स बेसिकली. या सो बिकॉज पीपल समवेयर यू नो पीपल कंफ्यूज कि ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है. इंटरनल मेडिसिन के बाद आपने एंडोक्रिनोलॉजी करी, आपने ओबेसिटी मेडिसिन करी, तो एक कंफ्यूजन रहता है. तो ओबेसिटी मेडिसिन के जो क्लास ऑफ डॉक्टर्स हैं बहुत कम हैं जी. अच्छा, तो उसी लिए दे आर नाउ कॉल्ड मेटाबॉलिक डॉक्टर्स. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, दैट्स बहुत कम लोग हैं, मतलब गिने चुने ही लोग हैं. इवन अमेरिका में बहुत कम लोग इसमें कर, अब बहुत कम्पेटिटिव हो गया, जब मैंने की थी तो इतना कॉम्पिटिशन था नहीं. ओके ओके ओके, सो आई एम श्योर इसके बाद भी फर्दर कुछ रिफाइनमेंट हुआ तो एक नई टाइटलमेंट या फिर नया कोई फील्ड आ जाएगा. आ गया ना फंक्शनल मेडिसिन कर लिया. अच्छा अच्छा, उसके बाद फंक्शनल मेडिसिन आ गया. सो दिस नेवर स्टॉप्स ना, पढ़ाई तो बन गई. पढ़ाई बन नहीं होती ये हम और भी बहुत सारे डॉक्टर्स से सुन चुके हैं. एंड आई एम ग्लैड कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था. और यहाँ पे मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी, बहुत टाइम से चल रही थी और किसने पूछा भी हमसे कि डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म. लाइक ये बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर किसी को बोल दिया गया कि उसको थायराइड है तो उसको जो है ओवर मतलब उसका वो क्या कहते हैं उसको सेंसिटिव हो जाता है उसका मेटाबॉलिक रेट अगर हाइपर थायराइड है. तो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में क्या. देखो डाइजेशन तो होता है कि आपने खाना खाया कैसे आपने पचाया जी, सिंपल. मेटाबॉलिज्म होता है वो खाना पचा के वो खाना कहाँ कहाँ गया, फैट स्टोर हुआ कि बॉडी में गया कि इवेपोरेट हो गया, जो नहीं होता, आई एम जस्ट किडिंग. लेकिन खाना कहाँ गया वो है मेटाबॉलिज्म, और खाना कैसे आपने पचाया वो है डाइजेशन. ओके, सो डाइजेशन ऑफ कोर्स हैपेंस इन लाइक स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ एंड ईसोफेगस एंड अप टू द रेक्टम. या ओके, सो ये जो मेटाबॉलिक जो चीज़ है गट्स में, क्योंकि मैं जैसे आपने कल भी हमारे जब शो पे आपने कुछ बातें करी थी तो आपने कहा था कि भाई बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो अच्छे हैं बॉडी के लिए और जो खराब हैं बॉडी के लिए, दोनों ह्यूमन बॉडी में रहते हैं ऑफकोर्स. सो एंटीबायोटिक्स लेने से आपने बताया कि बहुत सारे जो प्रोबायोटिक्स हैं कई बार वो भी खत्म हो जाते हैं. हाँ, आपके खुद के गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स लेने से. और अभी आपने पेपर में कल परसों पढ़ा भी होगा कि इंडियंस, आई थिंक यस्टरडे पेपर हेडलाइंस पे, इंडियंस के लिए तो रेजिस्टेंस हो चुका है एंटीबायोटिक्स में. अच्छा, एन एवरेज इंडियन रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स. ओके ओके, सो मोस्टली व्हाट माय क्वेश्चन वाज कि अगर एंटीबायोटिक्स से जैसे मान लीजिए वो हो जाता है कि कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, तो क्या प्रोबायोटिक्स लेने से अब जाहिर सी बात है बढ़ते हैं, तो पीपल हु आर ओबीस बेसिकली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, जो ओबीस हैं, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, वो लोग अगर प्रोबायोटिक्स लेंगे और तो क्या वो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि काफी फायदेमंद है लेकिन थेरेप्यूटिक डोजेस में फायदेमंद है. ऐसे दही खा लेना, छाछ पी लेना, वो भी प्रोबायोटिक्स है. एक ड्रिंक आती है मार्केट में, नाम नहीं लूंगी. जी हाँ जी हाँ जी, तो उसके और भी प्रोबायोटिक ड्रिंक समझा जाता है. बट लेकिन जब आपको अपने आप को ठीक करना है और एंटीबायोटिक का इफेक्ट खत्म करना है जी हाँ, तो उसके लिए थेरेप्यूटिक डोजेस में कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स आती हैं, सैशेज आती हैं. ओके ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें आया है, दैट इज लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है. आई एम श्योर आपने लाइक सुना होगा, अभी मैम ने बताया कि कौन कौन सी हैं. एक क्वेश्चन हमारे पास और है कि हाउ इज ओबेसिटी मेजर्ड. ओके, दिस इज मेघा. सो ओबेसिटी मेघा ने पूछा है, तो मेघा ओबेसिटी जो है मोटापा को कहते हैं, वेट ऑन स्केल और हाइट उससे बीएमआई निकलता है. ठीक है, उस बीएमआई का तब तक ही फायदा है जब तक आप बहुत मस्कुलर और जिम नहीं जाते हो. अगर आप एक वर्कआउट करते हो तो उसमें फैट परसेंटेज निकालना ज़रूरी है एक मोटे आदमी का. कई लोग अपने आप को मोटा समझते हैं, बड़े होते हैं, बिग साइज पीपल, पर उनका मसल मास अच्छा होता है तो वो एक्चुअली ओबीस नहीं होते. okay, वो कैटेगरी ओबीस में नहीं आती है. वो फैट परसेंटेज उनका जो होगा बॉडी का
उसके हिसाब से ओबेसिटी भी क्लासिफाई की जाती है. तो एक तो बी एम आई होता है, एक फैट परसेंटेज होता है. तो जो हम जैसे डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं. तो हम फैट परसेंटेज भी देखते हैं, इंचेस भी देखते हैं. तो हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं, बट ऑन द होल बी एम आई इज द राइट, इज अ इजी टूल. अच्छा, सो आई एम श्योर मेगा आपको आपका आंसर मिल गया होगा. जैनिस हमसे पूछ रही हैं कि प्लीज एडवाइस सम कैल्शियम रिच, आई गेस दिस इज द स्पेलिंग. हां, रिच रिच बोल दिया, कैल्शियम रिच लिख दिया. हां, सो कैल्शियम रिच फूड्स बहुत सारे होते हैं. आपका दही एक बड़ा कैल्शियम रिच है, पनीर है. अच्छा, ब्रोकली है, चिया सीड्स हैं, मशरूम्स हैं, दे आर ऑल वेरी हाई इन कैल्शियम. ओके, तो ये दूध इतना हाई नहीं होता जैसे लोग मानते हैं कि दूध में बहुत कैल्शियम है. अच्छा, हां ओके, ये नहीं, दही में ज्यादा होता है, दही में ज्यादा कैल्शियम है और छाछ में बहुत होता है. जैसे वो निकलता है छाछ, नॉट लस्सी. अच्छा, लस्सी मतलब लोगों ने, मतलब लस्सी तो हमें मीठी ही पता थी, लेकिन लोगों ने फिर उसको सॉल्टेड लस्सी. हाँ, तो छाछ होना चाहिए जो दूध बिलोने के बाद जो निकलता है. अच्छा, ओके, वो छाछ होता है. ओके, सो ये नहीं पता था. आई एम श्योर जैनिस ने ही दूसरा कुछ पूछा है यहाँ पे. कह रहे हैं कैल्शियम. अच्छा, वो आपने वही स्पेलिंग मिस्टेक से किया. नितिन जो है वो पूछ रहे हैं, डस फंक्शनल मेडिसिन यूज जेनेरिक ड्रग्स एटसेट्रा और जस्ट फूड एंड सप्लीमेंट्स? नो नो, वी एज फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर हम जेनेरिक ड्रग्स भी यूज करते हैं. द होल आइडिया ऑफ फंक्शनल मेडिसिन इज टू टेक पीपल ऑफ द ड्रग्स, लाइक मेडिकेशन हटाना. लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट ऐसे जगह पे खड़ा होता है कि बीमार भी है. लेट्स से डिप्रेशन का पेशेंट है, वो सुइसाइडल है, तो हम वेट नहीं करेंगे फंक्शनल मेडिसिन को, बिकॉज फंक्शनल मेडिसिन थोड़ा स्लो है जी. तो हम वेट नहीं करेंगे उसको, हम डालेंगे दवाई. और अगर मान लो किसी को डायबिटीज है और उसका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो हम दवाई पे डालेंगे, लेकिन वी विल स्लोली वर्क ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्सन लाइफ, एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता उस मेडिकेशन को हम दोबारा से टेपर करते हैं. बट हाँ, जेनेरिक ड्रग्स जरूर यूज करते. अच्छा, सो सिंस अगर आपने इसे बताया कि कोई डिप्रेशन का मरीज है या देयर इज समवन हु इज लाइक स्ट्रेस्ड ऑल टुगेदर, तो आई एम श्योर कि फंक्शनल मेडिसिन के ट्रीटमेंट के साथ साथ मेरे ख्याल से लाइक उसको मानसिक इलाज की भी जरूरत पड़ती होगी, तो वो भी क्या साथ साथ चलता है? यूजुअली 98% तो खाना और सप्लीमेंट्स इनफ होते हैं. बट जैसे हम एडवाइस करते हैं मेडिटेशन, ओके, या किसी को CBT, cognitive behavioral therapy, side by side. पर sometimes CBT and drugs are given side by side and the food is managed. तो कई चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है. Too many things you have to do side by side. Because we are focusing on overall health. क्योंकि कई वैसे depression की दवाइयों से weight बढ़ जाता है. एंड फिर उसके बाद पेशेंट मोटा हो जाएगा. आपने डिप्रेशन दूर किया तो मोटापा आ गया. ये चलते रहता है. तो हम उसको काफी, मतलब कवर द पेशेंट एंटायर हेड टू टो सारा कवर करना पड़ता है, उसके हर एस्पेक्ट को, उसकी फैमिली लाइफ को, सोशल लाइफ को. तो पीपल लाइक अस रियली गेट इन टू देयर हाउसेस. दैट्स सुन के ही काफी स्ट्रेसफुल लग रहा है मुझे काफी. बट दिस इज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है. तो अभी जैसे आपने बीच में चिया सीड्स के बारे में कहा था, तो फ्लैक्स सीड्स और कल आपने एवोकाडो की भी बात करी थी शो में भी. सो व्हाट आई रियली वांट टू नो इज कि ये एवोकाडो तो इंडिया में अवेलेबल नहीं था अब पहले, तो काफी हो गया. हाँ, जैसे नाउ आफ्टर आई वाज लाइक लुकिंग फॉर सम आफ्टर एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि समवेयर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री दे आर ग्रोइंग इट नाउ, लाइक पुणे हो गया. इंडियन एवोकाडो मिलता है, ऑब्वियसली सेम क्वालिटी नहीं है, डिफरेंट है, थोड़ा पकने में टाइम लेता है. तो वही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि ये जो फ्रूट्स हैं जो एक मतलब सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, उनके बिना चलता है काम. अच्छा, वो एक गुड फैट में आता है. अब किसी, अब जैसे आप बड़े जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप एक बड़े अच्छे खान मार्केट के आसपास रहते हो, बड़े आपका बड़ा पैसा है, तो आप खर्चो एवोकाडो पे रोज पैसे. It's a great fruit, but लेकिन एक एवरेज इंसान के लिए कोई जरूरत नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. Not at all. और मलाई has good benefits as avocado, so मलाई खा सकते हैं. तो ये देसी आपने इलाज बताया है, जड़ों से निकाल के देसी. तो अब लेकिन उसमें भी जैसे बहुत सारे adulterations और वो सब चीजें हैं, तो जैसे मलाई भी है तो उसी दूध से आ रही है, जो अब पता नहीं है कि ये फ्रेश है कि नहीं. दूध का प्रॉब्लम क्या है ना, दूध इज एक तो ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम होता है कि गाय क्या चारा खा रही है,
ठीक है, एक तो वो होता है, दूसरा है कि गाय को इंजेक्शन लग रहे हैं कि नहीं दूध प्रोड्यूस करने के लिए, तीसरा है कि जो मेरा एस्पेक्ट है मानने का बिल्कुल अलग है, मैं सोचती हूँ गाय बहुत टेंशन में है तो टेंशन वाली गाय का दूध निकाल के हम पिए तो क्या, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो No, but गुत्थी सुलझाए कैसे जाए कि मतलब उस गाय से अब पता कैसे चलेगी वो स्ट्रेस में है टेंशन में है। See, I'll tell you, overproduction of milk करा जाता है ना गाय से, अब जैसे आपके पास डेयरी है वो है प्रॉब्लम कि वहाँ पे गाय के जो थन है उस पे भी मशीन लगा दी जाती है, जस्ट इमेजिन द पेन दैट गाय मस्ट बी गोइंग थ्रू। तो वो मेरा मतलब है कहने का, आपके घर पे आपने गाय बांध दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पड़ोस में एक लोकल डेयरी है, जैसे पहले लोकल डेयरी होती थी दूध आता था, पहले मदर डेयरी तो थी ना, मेरे को तो नहीं पता मदर डेयरी थी, रोहतक में तो नहीं, तो हम तो लोकल डेयरी से जो पड़ोस में एक डेयरी होती थी वहां से दूध लाते थे, बट वहां पे हाथ से दूध निकालते थे नॉर्मल। अब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दूध पे भी वो मशीनें और उनका पंपिंग जस्ट पेनफुल टू सी काउज गो थ्रू दैट, एंड आई रियली फील कि एडल्ट्स को दूध इतना चाहिए नहीं होता जितना हम उस पर डिपेंड करते। अच्छा, तो ये आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी भूमिका बांध दी है कि एक एडल्ट को, ये मुझे आज तक काफ़ी क्लियर नहीं हो पाया ढंग से कि प्रोटीन की ज़रूरत, लोग कहते हैं कि वेट के हिसाब से देयर इज सम ग्राम्स एंड समथिंग, तो अब दूध जो आपने ऐड किया यहाँ पे कि एक एडल्ट को कितना अमूमन कितना दूध की जरूरत होती है पूरे दिन? बिल्कुल भी नहीं होती दूध की जरूरत, कोई दूध, अच्छा दूध इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ एट ऑल। ओके, बिल्कुल, सो बट देन देयर इज अ, देखो आप पीछे जाओ, बैक टाइम करो, जब हम पुराने उसमें थे, जब कुछ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली मैन, वहाँ पे दूध प्रोडक्शन तो कुछ नहीं होता था, ठीक है आपके पास गोट है गाय है, आपको आपने देखा दूध निकाल रही है तो आप भी थोड़ा सा पी के आपको अच्छा लगा, बस दैट्स इट, दैट एग्जैक्टली वाज, मिल्क वाज नेवर सपोज टू बी इन हाई कंजम्पशन, वाज नेवर सपोज टू बी, एंड मिल्क लैक्टोज एलर्जी इतना कॉमन है, बहुत कॉमन है, बट लोगों को पता नहीं लगता, लेट पता लगता है, जैसे मुझे पता लगा था मैंने आई वाज 30, सो इट्स समथिंग दैट वी डोंट इवन कम टू नो, जबरदस्ती पेरेंट्स पिलाते रहते हैं बच्चे को, पेट में गुड़गुड़ होती रहती है, तो वो नहीं पिलाना चाहिए इतना दूध, कोई जरूरत नहीं है दूध, पछतावा इस चीज़ का है कि आप बहुत लेट हमें मिले हैं। इफ माई मदर इज वॉचिंग दिस, आपने जो बोला है ना कि मतलब हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एनी वे, बट ठीक है हम बड़े हो गए किस तरीके से, तो अभी हम अगर आगे बढ़ जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे निशांत कह रहे हैं कि गुड गोइंग, थैंक यू निशांत, थैंक यू सो मच। अभी यहाँ से अच्छा जानेस को शायद अपना आंसर मिला नहीं हो, तीसरी बार उन्होंने हमको लिख के भेजा कि प्लीज, नहीं नहीं वो शायद ऑनलाइन नहीं है, नेक्स्ट। अच्छा, दीपक जी कह रहे हैं कि हेलो मैम, कैन वी ट्रीट ब्लड प्रेशर विद फूड? यस यू कैन, यस यू कैन। सो एक तो होती है एसेंशियल हाइपरटेंशन व्हिच यू कांट ट्रीट विद फूड, एक होती है एक्वायर्ड हाइपरटेंशन जो कि आपको विद टाइम विद मोटापा विद बैड लाइफस्टाइल आती है, तो उसको कंट्रोल करना आसान है, बट वो भी इनिशियल ईयर्स में, आफ्टर अ वाइल फूड इज मोर फॉर प्रिवेंशन एंड अर्ली स्टेजेस ऑफ एनी डिजीज। अच्छा, फूड कैन नॉट क्योर हाइपरटेंशन, फूड कैन नॉट क्योर डायबिटीज, बट यस दे कैन हेल्प उसकी अल्कोहल नहीं पीनी, नमक नहीं खाना, ज्यादा तला हुआ नहीं खाना, तो बहुत लोग इससे एडहेयर ही नहीं कर पाते, वो जिंदगी वो सोचते ये क्या जिंदगी है। जी हाँ जी हाँ। तो जब ये अगर आपने सोचना है तो फिर आप दवाई भी लेते रहो, लेकिन अगर आप जैसे एक्सरसाइज का बेनिफिट बहुत होता है ना हाइपरटेंशन में, तो फूड से ज्यादा एक्सरसाइज का बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना आपका, जैसे हाइपरटेंशन मींस व्हाट, बेसिकली एक ट्यूब है उसको मैंने दबा दिया, पानी का वही हाइपरटेंशन, अगर मेरी आर्टरीज को दबा दिया वो हाइपरटेंशन है, मैं जैसे इसको खोल दिया तो ईज ऑफ फ्लो हो गया ना, तो क्लॉट भी नहीं बनेगा, ना हेडेक होगी, ना कुछ आई आंखें जाने का जो डर होता है वो भी नहीं होगा। सो बेसिकली आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना जरूरी है इन योर बॉडी, सो एक्सरसाइज इज नंबर वन फॉर हाइपरटेंशन, रादर ऑफ कोर्स लो सोडियम कंजम्पशन, सोडियम कम कम। ओके, तो आई एम श्योर दीपक जी आपको आंसर मिल गया होगा, देन एल्विस एंथनी उन्हीं को जवाब दे रहे हैं, आपस में सब बात कर लो भाई। निशांत, मैंगो इन सीजन, विल यू बी अ डायबिटिक पर्सन ईट? यस यू कैन ईट एज अ डायबिटिक, मैंगो में क्या प्रॉब्लम है, मैंगो में शुगर है एंड कार्बोहाइड्रेट है मैंगो, तो लेकिन उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत हैं, एंड मैंगो इज सच अ, एक्चुअली मैंगो क्या होता है ना, एक पुराने
क्या बोलूँ उसको, व्हाट यू कॉल, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं मतलब. हाँ, मतलब मैंगो का नॉस्टैल्जिया भी ज्यादा होता है कि अब सब मैंगो आ गया, मैंगो खा रहे हैं तो हमें अच्छा, भी खाना, राइट, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल पीयर प्रेशर दिखता भी रहता है और स्वाद भी होता है जी. बट मैंगो कैन टोटली बी ईटन, जस्ट लाइक यू कैन ईट आइसक्रीम समटाइम्स, मैंगो कैन आल्सो बी ईटन, उसको आप ज्यादा मत खाओ. Remember we talked about बाल्टी भर के. जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाल्टी भर के, आपने धीरे से कहा था कि आपने भी एक किया. मैंने भी किया हुआ है, बट लेकिन वो ठीक नहीं है. मैंगो को आप वन मीडियम साइज मैंगो कैन बी ईटन टोटली विद बाय डायबिटिक्स, देयर इज नो हार्म. पर आप उसमें यू कैन कॉम्पेंसेट फॉर अदर कार्ब्स, रोटी मत खाओ. अच्छा अच्छा ओके ओके हाँ, तो मतलब ऑफ कोर्स जो जिस चीज का जो चीज बहुतायत में हो सकती है मैंगो की वजह से, वो आप अपनी डाइट में कम कर सकते हैं उस टाइम पे. जैसे लंच में मैंगो खाना है तो एक रोटी कम खा लो, ऑनलाइन चावल मत खाओ. रोटी में मोस्टली आपको फाइबर भी है, फाइबर पर इतना नहीं है क्योंकि जिस तरह का आटा हमें मिलता है फाइबर तो होता ही नहीं है उसमें. हाँ, फोर्स, मतलब अब तो अभी कौन चक्की से पिसवा के अपने घर आटा लाता है आजकल, तो जो पैकेट में मिलता है आटा वही हम लेते हैं कमर्शियल, तो उसमें कितना फाइबर होता है, बहुत कम होता है. अब एक नया आया डायबिटिक आटा, आई डोंट नो, मे बी दे आर एडिंग फाइबर. अच्छा, maybe, जो बहुत ज़रा फाइनली ग्रेडेड नहीं होगा मेरे ख्याल से वो ज़रा अच्छा. हाँ, जितना कोर्स होगा वो बेटर आटा है, जितना ज़्यादा मैदा टाइप होगा वो आटा. ओके, आई एम श्योर निशांत आपको आपका आंसर मिल गया. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, डस साइकोलॉजी हैव अ रोल टू प्ले इन फंक्शनल मेडिसिन? आई गेस आपने शायद अभी, मैंने बताया था कि साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन, यूजिंग थेरेपिस्ट, you know, these are important parts of any human behavior. In fact, therapist to sabhi ko use karna chahiye. Lekin functional medicine mein iska, because stress causes a lot of illness. And stress and functional, because in functional medicine hum stress pe bahut concentrate karte hain. Stress se 90% bimariyan stress se hai. Oh, 90% bimariyan stress se. Acha. Yeah. So remember to be happy always. ये एक अच्छा नोशन प्रोवाइड किया गया है, बट हम अभी वही फंस गए हैं क्योंकि आपने बोला 90% ऑफ बीमारियां. तो क्या जो बड़ी मतलब एक हैवी हैवी बीमारियां हम लोग सुनते हैं, या मतलब हैवी तो नहीं कहेंगे, बहुत स्ट्रेस से होती है. मतलब आप कुछ भी देख लो, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सो मोस्ट पॉलिटिशियंस एंड अप बीइंग डायबिटिक्स बिकॉज दे आर सो स्ट्रेस्ड आउट. देन आप ये देख लो, स्टमक इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून conditions. हाँ, autoimmune condition, या stress. जी हाँ जी हाँ, कईयों को बिल्कुल बाल उड़ जाते हैं, आपने देखा होगा. बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, वो stress है. Hypothyroid can happen due to stress. So there's so much stuff. Stress तो is तो क्या immobility को भी आप उसमें जोड़ना चाहेंगे, मतलब immobility भी stress से हो सकती है. Immobility due to stress, but depends on what that stress has caused. अच्छा, वो क्या illness करी जिससे immobile हो गया. Okay. Not directly cause. बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, वो कहते हैं हम उठ के ना वॉक तक पे नहीं जा सकते. अच्छा, सो वो क्या है, दिस इज अ ह्यूज स्ट्रेस सिचुएशन. यू आप सुबह आप उठना ना चाहो और सुबह जाके आप वॉक ना करना चाहो, जो बेसिक हमारी है जिंदगी की, हमें उठ के सुबह सैर पे जाना चाहिए, वो ही हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे को वैसे स्ट्रेस है, उठते ही फोन चालू. हाँ, यस यस, उठते साथ ही आप जो है दूसरी चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं. This of course explains it. And we have, acha, Megha is trying to ask. Are stir fries healthy? है ना? Stir fry vegetables, I think आपका मतलब है. Stir fry क्या होता है? Stir fry होता है अपने थोड़ा सा oil डाला और सब्जियों को ऐसे घुमा दिया, मतलब ना ओवर कुक नहीं किया, सीटी नहीं लगाई, तेल में उनको फ्राई नहीं किया. स्टर फ्राई बहुत हेल्दी होता है. अगर आप नॉर्मल सब्जी बनाते हो जो घोट घोट के मसाला, आई थिंक उससे बेटर स्टर फ्राई होता है. थोड़ी कच्ची भी रहती है सब्जी, एंड येट उनके जो अंदर वो है, व्हाट डू यू कॉल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज वगैरह कॉज करते हैं, वो भी किल हो जाते हैं हाई हीट में. तो स्टर फ्राइड इज एक्चुअली द बेस्ट वे टू ईट योर वेजिटेबल्स, बिकॉज बॉइल्ड इन अ लॉन्ग टर्म आप खा नहीं सकते बॉइल्ड वेजिटेबल्स. ओके, तो स्टर फ्राइड में बेसिकली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जस्ट इन केस अगर उन्होंने पूछा है तो. जैसे अगर आप ऑयल कौन सा यूज कर रहे हो, घी कौन सा यूज कर रहे हो, घी इज अ वेरी गुड मीडियम टू डू सच स्टर फ्राई. एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव इज गुड टू डू अ स्टर फ्राई. मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल, दीज कैन ऑल, ये सारे आप स्टर फ्राई में यूज कर सकते हो. अच्छा अच्छा अच्छा, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट. लाइक मुझे नहीं पता था, लाइक ऑनेस्टली स्टर फ्राई क्या होता है. पायल पूछना चाह रही हैं कि व्हाट फूड्स
should I eat to follow the healthy balanced diet you recommend? Like ये बहुत generic question. हाँ generic सा question है बहुत ज़्यादा. What food should I eat? I think not eat की ज़्यादा मतलब आसान है बताना. हाँ not eat की ज़्यादा आसान. खाना तो सब कुछ चाहिए but not don't में है. Don't में हो गया fried foods, concentrated sugar, जैसे आपकी मिठाइयाँ होती हैं, pastries होती हैं. जी ये नहीं खानी चाहिए ज्यादा. अच्छा आइसक्रीम्स, टू मेनी मिल्क प्रोडक्ट्स. अच्छा लाइक ऑब्वियसली मिल्क में तो आइसक्रीम ज्यादा होती है. मेन इज आइसक्रीम, खीर, मतलब इनको मिनिमम अमाउंट में खाना चाहिए. और क्या, शुगर से दूर रहना चाहिए. व्हाइट ब्रेड नॉट इज अ रॉन्ग वर्ड, मैदा से दूर रहना चाहिए. So basically milk, concentrated sugars, maida and ये जो drinks आते हैं, fizzy drinks जितने भी आपके carbonated carbonated sweetened drinks. अच्छा नाम नहीं ले सकते. हाँ of course नाम नहीं ले सकते. but I wish I could. हाँ हमने सुना भी नहीं है ऐसा, मतलब नाम हम देखे नहीं हैं ब्रांड वगैरह से. सुना हम लोगों से कि ऐसे आते हैं. ओके तो अभी आपने क्योंकि कहा कि बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, तो एक दिमाग में हमारे क्वेश्चन आया कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इफ़ यू हैड और इफ़ यू कंज्यूम्ड, आपने कुछ अगर दूध का बना हुआ कंज्यूम किया है तो उसके ठीक बाद टैमरिंड या ऐसा कुछ खट्टा नहीं खाना चाहिए. आई हैव नो आइडिया. ओके मैंने कभी नहीं सुना. हाँ तो मतलब खट्टा नहीं खाना चाहिए, आई थिंक ये इसलिए होगा कि दूध फट ना जाए अंदर. लॉजिकली तो यही होगा. हाँ मतलब लॉजिक तो ऐसे कुछ रहा होगा, किसी ने बहुत दिमाग लगा के आई एम श्योर पूछा होगा. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन लाइक व्हाट ऑयल डू यू रेकमेंड. Oil, extra virgin olive oil, mustard, ghee, coconut. अच्छा. Yeah, just these four. So इनको मतलब इनका सही सबसे इनका इस्तेमाल करने के लिए इनको कितना गर्म करना चाहिए ये भी कुछ. हाँ तो जैसे extra virgin olive oil जो होता है उसको आप ज़्यादा heat नहीं कर सकते. अच्छा. घी को आप high temperature पे ले जा सकते हो, तल सकते हो घी में. अच्छा. घी में तल सकते हो. और जितने भी cold pressed oils हैं you cannot really deep fry them. And ghee is the only one actually जो इतने high temperature पे जाके भी oxidize नहीं होता. That's why it's clarified butter. तो ये एक important point आपने बताया. बहुत important. This is the one quality of ghee which is taken into far west and all the other countries. Ghee is that beautiful. अच्छा. तो आपने अभी एक word use किया था cold pressed oils. Cold pressed oils आते हैं जैसे cold pressed mustard का भी आता है, sesame का भी आता है. और कोल्ड प्रेस किसका आता है, आई थिंक आमंड भी, एवोकाडो भी, कई सारे ब्रांड्स हैं, मतलब कई सारे चीज़ों का कोल्ड प्रेस आता है. कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है उसका हीट पॉइंट ज़्यादा नहीं होता. अच्छा. तो उसको आपको क्विकली वो करना पड़ता है बनाने के बाद भी उसे कंज्यूम जल्दी करना. हाँ मतलब फटाफट से उसको जैसे आपने गरम पैन में डाला फटाफट से यू नो स्टर फ्राई जैसे हम करते हैं. अच्छा. एंड यू हैव टू ईट इट, या यू हैव टू जस्ट रिमूव इट फ्रॉम फ्लेम क्विकली. तो बहुत देर तक आप उसको रखेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा. जैसे हम लोग का क्या है, इंडियन वेजिटेबल्स कुक होते रहते हैं जस्ट लूजेस एवरीथिंग इट हैज. उस बीच आप जो है थोड़ा सा कोई शो भी देख लेते हैं बीच में, चैनल भी सर्च करते हैं. हां वो इतना लंबा कुकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. वो कहीं से हेल्दी रह नहीं जाता. ओके सो हम आगे अगर बढ़ते हैं. व्हाट फूड शुड अवॉइड पर्सन विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम. सो समवन सेइंग स्टॉप ईटिंग मोमोस. आई एग्री विद यू एल्विस टोटली. बट व्हाट फूड शुड बी अवॉइडेड इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज अगेन फ्राइड कॉन्सेंट्रेटेड शुगर्स, हाई सोडियम फूड्स, फिजी ड्रिंक्स, फिजी स्वीटेंड ड्रिंक्स एंड इवन फ्रूट जूसेस आर नॉट अ गुड थिंग फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम. फ्रूट खाना चाहिए. हाँ इस बारे में तो आपने कल शो में भी कहा था कि लाइक अगर हम जूसेस कंज्यूम करते हैं तो भाई वो शुगर ही शुगर जा रहा है. एग्जैक्टली. वो ना एब्जॉर्ब हो रहा है ना उसका कुछ कहीं पे भी. खैर तो देन आर लाइफस्टाइल चेंजेस नेसेसरी एंड एडवाइज्ड व्हेन अंडरगोइंग फंक्शनल मेडिसिन ट्रीटमेंट फॉर अ कंडीशन. इफ यस कुड यू प्लीज गिव अस सम एग्जांपल्स. ओके सो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी होते हैं. हम क्या करते हैं कि पेशेंट जैसे फंक्शन मेडिसिन, पहले तो पेशेंट को नहीं पता कि वो फंक्शन मेडिसिन पेशेंट है. जैसे पेशेंट आया तो एक बड़े नॉर्मल से होगा कि कहेंगे अच्छा हमें वेट लूज़ करना है. ओके फिर आप डिग इन डीप करोगे. ओके मेरे ना जोड़ों में दर्द है. अच्छा, मेरे को एसिडिटी है. ओके, मेरे को नींद नहीं आती है.
और मेरा ब्रेन फॉगी रहता है, फिर उनका मैं जब डिप्रेशन स्क्रीनिंग स्कोर करूँगी, डिप्रेशन इज एट हाई लेवल, सो इमीडिएटली दैट पेशेंट कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ फंक्शन मेडिसिन. 90% ऑफ देम डोंट एक्सरसाइज, तो वो एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वो जरूरी है, आपको उनको चलाना जरूरी है, हैव टू मूव, दे कांट कीप सिटिंग. तो लाइफस्टाइल चेंज एक एग्जांपल ये है. फिर दूसरा, जैसे मैंने किसी को देखा, ग्लूटेन इज यूजुअली द कल्प्रिट इन मोस्ट जॉइंट पेन्स, तो ग्लूटेन बंद करते हैं. हाँ, ग्लूटेन लाइक वीट, यूजुअली वीट में होता है, फिर वीट के किसी भी प्रोडक्ट में ग्लूटेन होता है, तो जॉइंट पेन्स के लिए वो बंद करेंगे. फिर कोई पेशेंट कहता है मुझे एलर्जी है, हाइव्स हैं, रैशेज होते हैं, फिर हम उसको ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट रेफरल भी देंगे, फिर ये भी देखेंगे कि भाई किस तरह का है. देन वी स्टॉप द मेन एलर्जी, जैसे एग्स, पीनट्स, मिल्क स्टॉप कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हाउ पेशेंट रिस्पॉन्स. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी 5 days यू हैव टू कीप टॉकिंग टू देम एंड कीप, बिकॉज हम जैसे तो सामान बंद करते हैं पेशेंट को हेडेक हो जाती है. पेशेंट्स डोंट फील गुड, वी डोंट स्टॉप टू मेनी थिंग्स, बट कई पेशेंट्स में एकदम एक्शन लेना जरूरी है. जैसे पेशेंट को किसी में पेट में बहुत तकलीफ है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा है, तो उस पेशेंट को फिर हम उस ब्लोटिंग को हटाने के लिए देन वी विल स्टॉप लिटरली मोस्ट ग्रेन्स, ग्रेन फ्री डाइट पे डालते हैं. ग्रेन्स, हाउ डू ग्रेन्स हेल्प इन? सी, ग्रेन्स आर समथिंग कॉल्ड लेक्टिन्स, ग्रेन्स एंड दाल. ओके ओके ओके. हां, दालों और ग्रेन्स में लेक्टिन होता है. लेक्टिन इज लाइक ग्लूटेन ब्रदर. ओके, तो लेक्टिन और ग्लूटेन भाई भाई है. अच्छा, तो जैसे वो पेट में ब्लोटिंग वगैरह होती है तो हम लेक्टिन्स भी हटाते हैं. अच्छा, दालें भी हटाते हैं. तो पेशेंट कहता है अरे मैं तो रोज दाल, इंडियन उसमें होता ही है, दाल तो रोज खाते हैं हम लोग, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है पेशेंट के लिए. सो दीज आर द चेंजेस वी एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग इन देयर लाइफस्टाइल. आई थिंक दिस इज व्हाट नितिन वाज आस्किंग. एक और सवाल हमारे दिमाग में आ रहा था, जैसे आपने दाल की बात करी, तो दाल से हम ये जानना चाह रहे थे कि बेसिकली बहुत से लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि दाल का पानी जो है बड़ा ज्यादा हेल्दी होता है. हेल्दी होता है? होता है. So, is it like see, दाल के ग्रेन में लेक्टिन है, उसके पानी में तो प्रोटीन है. अच्छा 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 अच्छा. ओके ओके. सो नेक्स्ट इज निशांत हैज कम एंड निशांत इज सेइंग वुड यू रेकमेंड टू गो वीगन. लाइक आई एम श्योर निशांत टोटली वीगन जाना नहीं, नॉट रेकमेंड वीगनिज्म. इट्स बहुत वीक हो जाते हैं पेशेंट्स. अच्छा, very I've seen osteoporosis, weakness, because calcium source hi khatam ho jata hai. Okay, they I just feel that veganism is I don't know, more of a fad according to me. It's I don't think it's a great thing, honestly. I think meat eaters do the best in terms of health. Acha, okay. Yeah, meat eaters do the best, and I mean I don't know, a lot of people may not like to hear this, but ye sach hai. Meat eaters get more protein, they get more calcium from animal fat, animal protein, and अंडों से तो वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं. और मेरे खुद के एक रिसर्च चल रही क्लिनिक में कि जितने भी वेजिटेरियनिज्म हैं, वेजिटेरियंस हैं, जी हाँ जी, वो ज़्यादा डायबिटिक हैं. अच्छा. हाँ, तो वो इसलिए है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल नहीं करते. ओके, पेट नहीं भरता. आप प्रोटीन खाते नहीं हो तो पेट भरता नहीं है, तो काब पे काब, काब पे काब. अच्छा 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 अच्छा. या एंड यू नो स्टार्ट ऑफ डायबिटीज. और ज्यादातर जो टेस्टी चीजें हैं वो मतलब कार्बोहाइड्रेट ही लेके बैठी हुई हैं. ये मतलब ये आपने बहुत बड़ा राज खोल दिया एक्चुअली. यार बहुत से लोग हमको ये बोलेंगे कि बोलता था खाया करो. साइंस ऑफ लैक्टोज, आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. लैक्टोज इंटॉलरेंस का साइन. हां, व्हाट आर द साइंस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस? यस, पेट में गुड़गुड़, क्रैम्पिंग, फटी फटी पॉटी आना. इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू से. सॉलिड 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 स्टूल होना चाहिए. जो आपके इंटेस्टाइन का कैलिबर है उसी के शेप में स्टूल आना चाहिए. अगर आपका स्टूल स्प्रेड आउट है, फटा हुआ है, तो बहुत पॉसिबल है कि आपको लैक्टोज एलर्जी है. अच्छा, और पेट में क्रैम्प होता है कुछ भी मिल्क की चीज खाने से. जी ओके. दही को तो इतना ज्यादा होता है कि इवन दही से भी होता है, क्योंकि दही में तो लैक्टोज फर्मेंट हो जाता है ना बाय बैक्टीरिया, फिर भी होता है. So some people are very very lactose intolerant, but on a whole I think 80% population in India will lactose intolerant hogi. Wo test hi nahi karte hain. Wo most of them are drinking ye idhar ka wo, I don't want to take names, but the na ye wala bhi milk bada chala hai abhi. Yeah, itne bade bade bottles mein milk. Almost hum pahunch gaye wahan tak jahan pahunchana cha rahi hain. Haan, to naam nahi lenge hum log. Naam nahi le rahe, but I'm just saying ki these are things that are killing our country. So basically, हाँ मतलब ये एक question आपने हमसे भी बात करी तो हमको दिमाग में आया कि coffee हम
अक्सर पिया करते थे, तो आई लाइक स्विच माई सेल्फ ऑन टू द ब्लैक कॉफी थिंग बिकॉज आई डोंट ऐड शुगर और व्हाटएवर. पहले तो कोल्ड कॉफी पीते थे, पहले बहुत पीते थे. तो उसमें जब जब हमने कोल्ड कॉफी पी है तब तक वो क्रैम्स और वो इश्यूज हुए हैं. मतलब या होता है ये कोल्ड कॉफी, कॉफी के लिए थोड़ी कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, वो पी रहे हैं स्वाद के लिए, मीठे के लिए. हाँ, कॉफी अगर आपको कॉफी का कैफीन का वो चाहिए स्ट्रेंथ, तो वो तो आप ब्लैक कॉफी से भी ले सकते हो, बट यू लाइक द टेस्ट ऑफ दैट sugar and milk. Yes, yes. And some people say I don't put sugar in the coffee. जी. But milk is a lactose, na? Milk is a lactose. Lactose is a sugar. So जी. Milk already sweet होता है. और जितना ज़्यादा slim milk होगा उतना ज़्यादा sweet होगा. I think I told you last time. आपने show yes. है ना? हाँ. तो जितना ज़्यादा slim होगा उतना lactose high होगा. और ये soy milk जो है basically वो कैसे different है in the terms of बस nutrients वो soy milk is also very high in calcium and soy milk is not bad at all. अच्छा. Lactose intolerant के लिए बहुत अच्छा choice है soy. अच्छा अच्छा अच्छा. But कई जैसे आप hypothyroid patient है वो soy products से उसको नहीं ज़्यादा करने, तो वो soy milk नहीं ले सकते. अच्छा. तो they have to take almond milk or something. अच्छा okay. तो okay ठीक है, समझ गया. ये जो है हमारे पास एक question आया है रवजोत पूछने कि foods that increase metabolism. Yeah. So anything which has high fiber will increase your metabolism. High protein, high fiber. High protein or high fiber से आपका metabolism बढ़ता है. तो इसका मतलब ये है कि इसको बहुत ज़्यादा excess में consume करने से फिर नहीं, excess में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, moderation is the key. But overall your diet should not have more simple carbs. Diet में whole grains और जैसे कि सब्जियाँ, रॉ सैलेड, इनसे बड़ा मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव होता है. ये खानी चाहिए बिकॉज एवरी टाइम यू ईट समथिंग रॉ द बॉडी बर्न्स एक्स्ट्रा कैलोरीज टू डाइजेस्ट इट. हाँ, ये हमने शो में भी आपसे पूछा था एग्जैक्टली. तो जैसे आप पैकेट के फूड, प्री डाइजेस्टेड फूड्स खाओगे आपका पेट काम ही नहीं कर रहा है. हाँ, मतलब वो तो बस स्प्राउट्स चबाते चबाते बोर हो जाते थे, तो हम उसको देखो अब स्प्राउट्स चबाना कितना मुश्किल है और लोग इसलिए स्प्राउट्स ज्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको इतना चबाने की आदत नहीं होती. हाँ, तो हम उसको मिक्सी में पीस लिया करते थे, चीला बना लेते. नहीं, हम उसको मिक्सी में पीस के आई यूज्ड टू लाइक चम्मच से उठा के खाया, मुंह में बस निकल गए. तो आई डोंट नो कि वो कितना हेल्दी, वो हेल्दी है नहीं. इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन, या एनी फॉर्म इज फाइन, मूंग दाल इज गुड. फिर तो ठीक ही है. देन अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो पहले आए थे जो हमारे कम्युनिटी के लोगों ने हमसे पूछे थे, उसमें से एक क्वेश्चन था नरेंद्र कपूर हमसे पूछ रहे थे कि हाउ टू रिवर्स फैटी लिवर ग्रेड टू. मतलब इज इट या इट्स रिवर्सिबल, ग्रेड टू इज रिवर्सिबल. या सो वो आई थिंक अगर शो देखते तो अच्छा था, उसमें यही बात मैंने बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन लेस, अल्कोहल बिल्कुल नहीं, और स्वीट्स मीठा बिल्कुल काट देना चाहिए लाइफ से, और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए. एक्सरसाइज स्टार्ट तो खैर ये सबको सुनना चाहिए भाई, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, थोड़ा बहुत ही वॉक करिए. सो आई टेल यू अपार्ट फ्रॉम द सेशन वी हैविंग राइट नाउ, जस्ट 2 मिनट्स आई टेक ऑफ योर्स. शाम को मतलब आई सी पीपल गोइंग, घर जाते हैं सब अपना, एंड जो एस्केलेटर्स होते हैं वहाँ पे लाइन लगा के लोग खड़े होते हैं कि भले कितना भी लेट हो जाए, हाँ भले कितना भी लेट हो जाए, बट मैं ये एस्केलेटर ही लेके जाऊँ, और उसमें क्रैम्ड हो गए सब. और जिस दिन वो एस्केलेटर बंद होता है उस दिन आप उनकी शक्लों को देखिए, ऐसा लगता है कि उनसे कुछ छीन लिया गया. ये छोटी छोटी चीजें एक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत है ना, स्टेयर्स ले लो, वॉक टू वर्क इफ इट इज क्लोज, इफ इट्स नॉट क्लोज एटलीस्ट पार्क योर कार फार अवे, यू नो, दोस स्मॉल. हां, मतलब पता नहीं ये हम क्योंकि देख रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए फील लाइक शेयरिंग. नहीं, हम तो ऐसे वाले हैं ना, वही होटल में उतारना है तो सामने उतारना मुझे. हां, यस, मेरी पार्किंग बहुत दूर है. ये आपसे कहना चाहता हूं, दिस इज वेरी, तभी तो ओबेसिटी बढ़ रही है इंडिया में, बिकॉज चलना ही नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते. ओबेसिटी में हमारा कंट्री का, इंडिया का क्या रैंक होगा इफ आई कैन आस्क? आई थिंक इट्स थर्ड. इट्स थर्ड, बिकॉज आई वाज जस्ट डूइंग द डेटा फॉर माय रिसर्च एंड आई वाज सीइंग दैट इट्स थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड इन नंबर, थर्ड इन डायबिटीज, लाइक डायबिटीज एंड ओबेसिटी. Okay, okay. So, the first two are basically in the West, maybe? US and China. US and China. Oh, China is coming up. No, China has also become very... I think उसके यहाँ भी बड़ा processed food आने लगा है. China हर चीज़ में आ गया. China में rice production शायद ज़्यादा है.
I don't think rice eaters gain that much weight actually. अच्छा. I think it is the ये जो western food होता है ना, burgers and pizzas, I think ये है जो culprits है. नहीं तो हमारे यहाँ पूरी आलू कब से चला रहा है, अभी कोई weight gain करता ही नहीं था. बिल्कुल बिल्कुल. बट लेकिन आई थिंक ये वेस्टर्न जो हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड हिडन शुगर्स का जो कॉन्सेप्ट आया है, डोनट्स, पिज्जाज एंड बर्गर्स, हर तरह का बर्गर है आप, कोई बर्गर मतलब देयर इज लाइक या वैरायटी ऑफ एवरीथिंग. सो एंड पीपल डोंट ईट जस्ट ओके, कभी कभी बर्गर खा लो, एक खा लो, एक नहीं खाते ना. जिसका साइज बड़ा होगा उसको तो उतनी भूख लगेगी. तो वो तीन तीन मैक, बिग मैक आई थिंक कितना सा होता है, मतलब ऐसा ही कुछ होता है मेरे ख्याल से, बड़ा होता है काफी. तो क्वांटिटी भी तो फिर मैटर करती है ना, ये हमेशा फूड के कंपनीज को कैसे ब्लेम करें. हाँ मतलब उनका कंज्यूम किया जा रहा है तो आ रहा है मार्केट. हाँ वो एग्जैक्टली कंजम्पशन है. अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन था, जसप्रीत ने पूछा हुआ है, कह रही है आई एम 5 month प्रेग्नेंट. पहले तो कंग्रेचुलेशन आपको, और प्लीज एडवाइज मी अ गुड डाइट. लाइक ये भी बहुत जेनरिक सा है आई गेस जहाँ तक. But अगर वो like 5 months see I think a lot of pregnant women think they have to eat for 2 people, वो आप दिमाग से निकाल दो. जितना आप अच्छा खाना खाओगे, होम कुक्ड फूड खाना चाहिए, और ताकि आपको कोई स्टमक इन्फेक्शन ना हो, और अपना प्रोटीन कॉन्टेंट ठीक रखो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. अंडे अंडे खाओ, सब्जियाँ खाओ, रोटियाँ कम, चावल कम, ठीक ठीक खाओ. कोई ऐसा नहीं है 2 जनों का खाना खाना होता है, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं. अगर आपको वेट गेन से डर लगता है तो ये तो करना है, नहीं तो अगर आप एक एवरेज पर्सन हो जो वेट गेन जिनका यू नो हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट. देन यू कैन हैव लाइक लेट्स से 2-3 चपातीज अ डे, 3 servings ऑफ वेजिटेबल, 2 servings ऑफ फ्रूट, 1 serving ऑफ डेयरी प्रोडक्ट लाइक अ योगर्ट और एन एवरेज, ये खाना ठीक रहता है. ओके, तो योगर्ट जो है बेसिकली बहुत लोगों में कन्फ्यूजन हमारे भी था बहुत टाइम तक कि योगर्ट जो है बेसिकली हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द कर्ड दैट पीपल. नहीं नहीं, योगर्ट इज सेम एज कर्ड, इज जस्ट एन अमेरिकन टर्म. अच्छा अच्छा अच्छा, द सेम चीज नहीं, बट योगर्ट को हमारे यहाँ फिर फ्लेवर्ड समझ लेते हैं. मेरे तो पेशेंट्स में उनको बोलते ना अच्छा योगर्ट, मेरे आदत है योगर्ट बोलने की, तो वो सोचते हैं फ्लेवर्ड योगर्ट बोले. अच्छा वो मतलब स्ट्रॉबेरी टाइप का स्ट्रॉबेरी योगर्ट बोला है डॉक्टर ने, बोला है ये तो खाना ही है. तो ऐसा है. अच्छा अभी हमारे पास दीपक, कई सारे क्वेश्चन दीपक पूछ रहे हैं. कैन सपोर्ट ग्रुप्स हेल्प डॉक्टर? यस, सपोर्ट ग्रुप्स तो होने चाहिए. इनफैक्ट मेरा भी मन करता है मैं बना लूं, बट आई थिंक फैमिली हेल्थ का एक है सपोर्ट ग्रुप है. सपोर्ट ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट, सपोर्ट ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट. उससे आप अपने जैसे लोगों से मिलते हो ना, और फिर आप सब डिस्कस करते हो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, खाना नहीं छूटता, आई एम अ फूड एडिक्ट, यू नो दीस आर द वर्ड्स दैट दे विल ऑल यूज, आई एम अ फूडी. I love this when the patients come to me. Oh, doc, please don't stop my food because I'm a foodie. You're not a foodie. Your leptin ghrelin are out of whack. So, foodie कोई नहीं होता. हमने जब civilization शुरू हुई थी तो हम खाते थे ताकि हम energy maintain कर सकें. जी. लेकिन अब खाना खाते हैं क्योंकि different cuisine try करनी है. ये खाना है, वो खाना. खाना एक शौक है. हाँ. खाना has become more of a shock than a thing that we relied on for energy. We're yet to see some good competitions of जैसे वो soccer tournaments होते हैं वैसे वो खाना tournaments भी हो जाएगा. तो but हमारे दादाजी हमसे कहा करते थे कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो. exactly, तो वो नहीं होता. अब इतने restaurants खुल गए हैं, घर में खाने नहीं बनता, rarely बनता है. and अच्छा did the अच्छा ये कुछ different question लग रहा है. दीपक कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं did the food environment cause the obesity epidemic? yeah. It's the food environment. It's the food environment and inactivity. 2 things, I would say. अच्छा तो inactivity और इसको इसमें हम लोग क्या उसको भी जोड़ सकते हैं कि बहुत busy schedule है and you don't have. अरे नहीं नहीं, आधा घंटा निकालने में कोई problem नहीं होती. ये सब कहने के बहाने हैं. आधा घंटा दिन में आप exercise के लिए अपने bedroom में निकाल सकते हो. There are so many apps, आपके फोन में इतनी apps होती हैं जो आप लगा दो वो आपका half an hour workout करा देती हैं आपके बेड पे, आपके रूम के साइड में, बेड के साइड में छोटा सा मैट लगाओ. करने वाले करते हैं सर, बिल्कुल ये बहाना है. नहीं ड्यूटी और मतलब आई अंडरस्टैंड की बिजी है, बट नहीं बिजी क्या, गप्पे मारने के लिए और सुट्टा पीने के लिए तो बहुत टाइम होता है. होता है ना दीपक, आई एम श्योर आप सुन रहे हैं और आई एम श्योर कि आप सुन रहे हैं. ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बट घी इज फैटनिंग, वी वर टोल्ड, नॉट ट्रू? सी इट्स अ फैट, बट इसको कैसे आप खाते हो उससे तब फैटनिंग बनता है. अगर आपके घी रोटी पे लगाओगे, पराठे बनाओगे तो फैटनिंग है. ओके, पर घी को अगर आप सब्जी के साथ वो करोगे मिक्स, जी हां, तो देन इट्स नॉट फैटनिंग, बिकॉज उससे तो ज्यादा आपके जो है फैट सॉल्युबल विटामिंस अब्सॉर्ब होते हैं. सो घी इज इट्स नॉट फैटनिंग, इट्स जस्ट द वे वी ईट इट, इट्स फैटनिंग. ओके, सो उन्होंने ही शायद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कीटो डाइट अच्छा है या कीटो डाइट बुरा भी नहीं है, बट कीटो डाइट करने के लिए बड़ा दिल चाहिए. तो आसान नहीं है, एक तो वेजिटेरियंस है 90% इंडिया में, तो कीटो डाइट उनका सक्सेसफुल ही नहीं होता, क्योंकि दे आर नेवर गोइंग इन कीटो, बिकॉज़ लीन प्रोटीन है ही नहीं. कीटो डाइट एनिमल फैट एनिमल प्रोटीन खा के ज्यादा सक्सेसफुल है और इंडिया में वो कम होता है. बट आई ऑन द होल आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग इफ यू वॉन्ट टू really fix your lifestyle, but on the in the long run I don't think one can do, one should do keto, because you get calcium leach from the bones. So it's supposed, I mean, you do it under supervision. A lot of people are just opening keto cafes. I don't know how they're getting permission to do this. This is not right. You need to be under someone's supervision, because you can get sick by doing keto. First thing when you do start doing a keto, you get a keto flu. Now, if a doctor is not equipped, if a person is not equipped, तो उसको keto flu हो जाएगा. Keto flu तो बीमार हो सकता है, death हो जाती है, because इतना ज़्यादा जो cytokines release होता है fat breakdown से, patients उसको handle नहीं कर पाते. बहुत लोग होते हैं keto flu होता है, उनको पता भी नहीं होता keto flu हो रहा है. तो keto अपने आप से लोग जो करे जा रहे हैं ना, it really, it's not a good thing. So, since you said कि there are a lot of keto cafes which are being opened in I don't know, keto venue. मेरी एक patient है जो she told me she's going to order food from this keto cafe or keto menu, and she did it on her own. Okay. वो मेरे साथ उस टाइम पे प्रोग्राम पे नहीं थी, तो she did it on her own. She came back 5 kgs heavier because the chef in the cafe doesn't know anything about keto. You see, मैं ओनर हूँ, मैंने एक keto cafe खोल दिया, पर मैं क्या किचन में खड़ी होकर बना रही हूँ? नहीं. तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है ना. वो they added some sweet sauce. बहुत लोगों को नहीं आता करना, और अंडर विदाउट सुपरविजन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए. सिंस क्योंकि आपने ये बताया, तो ये चीज दिमाग में घूम रही है कि ये बेसिकली कीटो फ्लू क्या मतलब, बीमार हो जाते हैं जैसे जुकाम खांसी बुखार, you feel like jaise viral ho jata hai, just like normal flu, but it happens viral because type. Of keto. Haan, it happens because of excessive breakdown of fat, and because fat is not being used for energy, so fat is in circulation on higher amounts, fatty acids, okay. And due to fat loss, there are cytokines released, and cytokines are the bad obesity causing antigens, like they are the bad people. So cytokines are released in the blood circulation, and that end up causing keto flu. अच्छा, वो release होते हैं, इसका मतलब are they somewhere in the body already? No, they're in the fat. Fat has cytokines. अच्छा, okay. So fat is embedded with cytokines. Okay, okay. So if you go on a starvation diet or something like that, suddenly the, you know how you get headaches? जी हाँ, जी हाँ. So one is body repairing. Second is cytokines being released in circulation. So अगर आपने antioxidants नहीं रखी हुई blood circulation में, तो cytokines आपको attack करेंगे, बीमार हो जाओगे, autoimmune condition हो सकती है आप. Okay. तो भी really hospitalized. Okay. So ये autoimmune भी मैंने कहीं लिखा हुआ था, मुझे याद है. ऐसे तो बात करते रहते 3 घंटे जाएंगे. 3 घंटे भी मेरे ख्याल से लोगों को कम पड़ेंगे, and they'll be feeling like कि हम लोग ऑलमोस्ट अपने एंड पे ही हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है. यस, वी आर ऑलमोस्ट देयर. तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ गई हैं. दीपक जी पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी मैनेज चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड वेट प्रॉब्लम्स. आई गेस दिस इज वेरी जेनेरिक. हाँ, वेरी जेनेरिक, बिकॉज बच्चों को कम खिलाओ, ये मत खिलाओ, जंक मत खिलाओ, और फिर उनको बाहर के आउटडोर इवेंट्स करने दीजिए. कीप इट टू मिनिमम. बच्चे तो खाएंगे बाहर क्योंकि पीयर प्रेशर है जी, तो कीप इट लाइक वंस अ वीक. बाकी टाइम पे घर में खाना सीखें. सब्जी नहीं खाते बच्चे, सब्जी नहीं खाते. बहुत से हमारे जानने वाले ऐसे हैं जो हमारे घर में, मैंने रूल बनाया है, रोज एक स्टीम सब्जी खानी, एक बोल, जो उस पे तुम नमक मिर्च डालो,
जैसे तुम ऑयल डालो, खानी खानी है, टेस्ट तो डेवलप हो। ओके सो तो मेरे बच्चों को तो बड़ा जरूरी है। ऊपर से आपने अगर हम लोग स्प्रिंकल करते हैं या ऊपर से हम लोग डालते हैं नमक तो वो ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, फॉर किड्स इट डजंट मैटर। अच्छा ओके ओके। सो एक चीज और हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ डू अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू यू आफ्टर फॉलोइंग फैट डाइट्स एंड अनबैलेंसिंग देयर मेटाबॉलिक सिस्टम। ऑफकोर्स अभी तो ऑल द टाइम दे हैव डन समथिंग और द अदर सम नॉनसेंस बट एंड यू नो दोस पीपल आर इवन टफ टू डील विद बिकॉज़ क्या होता है उनका एक माइंडसेट होता है जी जी हां जी मैं इस ये वाली मैंने डाइट की है जी और कुछ उनके दिमाग में कोल्ड कॉफी का एक पड़ा है मैं इतना वो सॉल्व करती हूं वो प्रॉब्लम cold coffee. So anyway, they come with these fat diets, जिसमें बहुत थोड़ा खिलाते हैं, पांच बादाम खाने दिन में, एक इतनी सी कटोरी सब्जी और एक फुल्का, like how can you live on that? That's really crazy. Please don't go for these things. You go for balanced diet. Food is needed. Food is a bodily need. How can we tell our body not to have food? This is crazy. ये हमने अपना चेहरा इसलिए छुपा लिया था कोल्ड कॉफी के लिए क्योंकि थोड़ी देर पहले हमको भी सुनने को मिल चुका है इस पे। अच्छा हमारे पास अनुभा आए हैं, अनुभा कह रही हैं कि हाउ कैन वन रिड्यूस वेट इफ सफरिंग फ्रॉम सीवियर कॉन्स्टिपेशन। अनुभा कॉन्स्टिपेशन तो बहुत ही खराब चीज है, इफ यू डोंट क्लियर आउट योर बाउल्स देन व्हाटएवर यू ईट इज गोइंग टू फर्मेंट इनसाइड और आपका वेट कभी कम नहीं होगा। तो कॉन्स्टिपेशन को तो आपको इलाज करना ही पड़ेगा, उसको इलाज करना पड़ेगा। कितना फाइबर खाना है किसी से कंसल्ट करिए, स्लगिश बाउल का रीज़न क्या है कंसल्ट करो, आपके क्यों नहीं बाउल्स मूव करते हैं, क्या आप पानी नहीं पीते, क्या आप एक्टिविटी नहीं करते, क्या आप फाइबर नहीं खाते, क्या आप ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हो, पैकेट फूड खाते हो, इन सब से। जैसे मेरे को तो लिटरली एक मैदा वाली ब्रेड खाने से ही कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर एक कभी अच्छा। गलती से भी कहीं पहुंच गए, कहीं भूख लगे, कुछ मिला नहीं, एक टोस्ट से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं आपके फूड में जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ठंडा पानी पीने से भी? नहीं नहीं बहुत ज्यादा ठंडा पानी से चिल्ड एकदम नहीं। अच्छा। पानी ना पीने से। अच्छा हमने बहुत सुना है कि मतलब बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से डैमेजेस योर इंटेस्टाइन। नहीं 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 बल्कि यू लूज वेट इफ यू ड्रिंक कोल्ड वाटर। क्या बात है। I told you last time also. Oh yes. You lose weight because when you drink cold water, your body tries to make work extra hard to make it warm. अच्छा, बहुत सस्ता इलाज है ये जो तो जो लोग देख रहे हैं अभी। फिलहाल हमारे पास और कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं है and we are almost right there at the end of our live session with Dr. Anjali Uda Sangwan. और मैं आपको बता दूँ फिर से एक बार कि प्लीज अपने और अपने अपनों के हेल्थ क्वेरीज या डाउट्स हमें लिख के भेजते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8527940940 और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करिए जहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, उन्हें आप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस वहाँ पे ड्रॉप इन कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता नहीं है कि और कुछ ऐसा रह गया है हमारे पास। वी डोंट हैव न्यू क्वेश्चंस एज़ वेल। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो। कैंसर में क्या खाएं? ये तो बहुत जेनेरिक सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि किसी ने पूछा नहीं अब तक कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में किसी ने हमसे कुछ पूछा था जरूर, बट देन कैंसर के देखो कैंसर में क्या है ना, कैंसर की कोई डाइट नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि फूड से मैं कैंसर क्योर कर दूंगी, ये सब सरासर झूठ है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम आपका कैंसर क्योर कर देंगे और बिना कीमो के और यू नो विदाउट बेसिक जो कैंसर प्रोटोकॉल्स हैं वो झूठ है। पर हाँ, कैंसर के एक पेशेंट को आप डायटरी सपोर्ट दे सकते हो बाय गिविंग देम यू नो फूड्स दैट आर हायर इन प्रोटीन दैट विल फाइट द इन्फेक्शन और फाइट। मतलब अगर कैंसर के पेशेंट को आप अच्छा प्रोटीन नहीं खिलाओगे तो उनके अंदर क्या है कि ऑलरेडी कैंसर जो ड्रग्स जा रही है ना उससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उससे इम्यूनिटी बिल्डअप करने से आपको प्रोटीन उनको खिलाना चाहिए, शुगर बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए कैंसर पेशेंट को, इनफैक्ट कार्ब बहुत रिड्यूस कर देना चाहिए। Okay. रोटी चावल ये सब बिल्कुल, इवन फ्रूट शुगर शुड नॉट बी कंज्यूम टू मच एंड यू शुड ईट लॉट ऑफ कलरफुल वेजिटेबल्स। अच्छा हाँ, लॉट ऑफ कलर्स। सो कैंसर पेशेंट्स को सुपर फूड्स जो होते हैं, सुपर फूड्स इज नॉट रियली अ टर्म इन मेडिकल साइंस बट सुपर फूड्स एक्चुअली मीन फूड्स दैट आर रिच इन विटामिंस एंड एंटीऑक्सिडेंट्स। तो वो वाले फूड्स जो हैं वो कैंसर पेशेंट्स को खाने चाहिए। okay. वो जरूरी है। Totally avoided because, okay. तो ये, I guess, I'm sure आपको
आपका आंसर मिल गया होगा। और अच्छा लिवर फेलियर में, और लिवर फेलियर में कैंसर में, अच्छा ठीक है, और लिवर फेलियर, लिवर फेलियर प्रोटीन नहीं, लिवर फेलियर मीन प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे तो उनको काप पे जाना पड़ता है, इज टोटली ऑपोजिट थिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास हो गया क्योंकि अब लिवर मतलब थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा काप्स हम लोग इनटेक कर रहे थे उसमें नुकसान था, लेकिन अब प्रोटीन बहुत ज़्यादा तो इसमें भी नहीं करना, बट लिवर क्योंकि लिवर इज अ मेटाबॉलिक हाउस ऑफ एवरीथिंग, तो अगर आपको लिवर फेलियर हो गया है तो आप प्रोटीन तो डिग्रेड होके वो बन जाएगा ना नाइट्रोजन, जी जी जी, डोंट वांट यू वांट बिलिरुबिन टू राइज, तो बिलिर वो नहीं, हम अमीनो एसिड नहीं देते हैं पेशेंट में, वी गिव मोर सैकराइड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, सो आई गेस वी कैन टेक दिस लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट देयर एट द एंड। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इज इंसोम्निया अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और प्योरली ड्यू टू स्ट्रेस एंड बैड लाइफस्टाइल? Insomnia is not a metabolic disorder. It is purely due to stress and bad lifestyle. Sleep hygiene is something people don't practice at all. It's something called sleep hygiene. Sleep hygiene जैसी कोई चीज़ है? अच्छा। जैसे आप अपने gadgets बंद कर दो एक घंटा सोने से पहले, room की lights dim कर दो, अच्छा, don't have caffeine after 4 o'clock, don't sleep on a very heavy stomach, खाना वाना एकदम खा के मत लेटो, एक्सरसाइज करो ताकि थक जाओ, जो जो बातें मतलब कुल मिला के जो बातें हमारी मम्मी हमें बचपन से बताती आई हैं उनको एक टर्म दे दिया गया है विच इज स्लीप हाइजीन। हम वो नेटफ्लिक्स देखते देखते ऐसे चले जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट, वी शुड बी स्विचिंग ऑफ ऑल गैजेट्स एंड लाइट्स एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर बेड टाइम, एंड आइडियली मेडिटेशन इज वेरी गुड। अच्छा, रीडिंग, रीडिंग इज अनदर वेरी गुड, of course not reading horror stories, reading something nice. If for horror stories I can read my lifestyle matlab to then usse yaar darana kuch nahi hoga, but then on this note we can I guess we have one aise to aate rahenge last question hai. I people say keto diet is not safe, low carb intake is not good for health, what's your take on this? People say, even I was saying keto is not safe hai na, uh-huh. So low carb is not good for, no, low carb is good for health. No carb is good for health. Keto is a, keto is only 30 gram carb a day. Keto, keto is only very 30? Very low carb. Keto, okay, is extremely low carb. Okay. So no, low carb is good. Low carb is not bad. But उसमें low carb की quantity होती है. ऐसे low carb एक term कहने से नहीं चलता है. हाँ मतलब वही जानना हम चाह रहे थे कि keto में जैसे सिर्फ 30 gram carb allowed होता है ना, तो वो तो बिल्कुल ही बहुत कम होता है ना, इतना carb तो हम एक फुल्के में खा जाते हैं, तो लो कार्ब इज गुड, लो कार्ब इज नॉट अ बैड थिंग टू डू, सो आई गेस यू हर्ड दैट अभिषेक, लो कार्ब इज गुड बट क्वांटिटी पता होना बहुत जरूरी है, एंड विद दिस वी नीड टू एंड यहाँ पे द लाइव सेशन विद डॉक्टर अंजलि हुड्डा सांगवान, क्योंकि उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से हमने उनका एक घंटा चुराया है, तो अब नेक्स्ट फैमिल सेशन के लिए प्लीज स्टे विद अस एंड हमें लिखते रहिए ऑन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, अभी मैंने बताया था, और हमारी वेबसाइट पे कम्युनिटी ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज या जो भी आपके पास ऐसा है जो बहुत लोगों के काम आ सकता है हेल्थ वाइज, प्लीज़ शेयर करते रहिए एंड स्टे विद अस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच, थैंक यू फैम हेल्थ।